वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर लोगों ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। भिंड जिले के सर्किट हाउस के पास वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर भिंड के लोगों ने उनकी पुण्यतिथि पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर भिंड जिले के क्षत्रिय महासभा करणी सेना सहित कई राजपूत संगठनों के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंचे, जहां वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा के आसपास साफ सफाई करवा कर उन्हें फूल माला व पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए और उन्होंने कहा कि देश उनकी वीरता को भूल नहीं सकता। वो सच्चाई के लिए भूखे रहकर भी आम लोगों की लड़ाई के लिए उन्होंने आज के ही दिन अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। ऐसे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को लोग शत शत नमन करते हैं। मैं अक्की राजावत, जिला संयोजक भिंड, श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय महासभा भिंड। आज का दिन 19 जनवरी महाराणा प्रताप के बलिदान दिवस है। आज हम सब क्षत्रियों ने मिलकर उनको उनकी मूर्ति पर आकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने जो क्षत्रिय समाज के लिए जो मुगलों से लड़ाई लड़ी थी, उन सब के हम लोग बहुत बहुत आभारी हैं। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। 57 वर्ष की उम्र में उनका बलिदान हुआ था, जो आज के दिन 19 जनवरी को बलिदान दिवस के रूप में हम लोगों ने सभी राजपूत भाइयों ने आके उनको माल्यार्पण करके उनको श्रद्धांजलि दी। आज महाराणा प्रताप की बलिदान दिवस के अवसर पर श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय महासभा अखंड भारत के द्वारा पुष्पहार अर्पित किए गए और सभी छात्र बंधुओं को इकट्ठा करके एक संदेश दिया गया समाज में कि क्षत्रिय समाज हमेशा गरीब मजलूमों की लड़ाई लड़ता रहा है, अपने समाज के लिए लड़ता रहा है और हमेशा लड़ता रहेगा। भिंड से प्रदीप राजावत की रिपोर्ट।